काफ़ी टाइम के बाद एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डी का इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं तो आज उसका हम डिटेल में देखते हैं क्या है इंस्टीट्यूट कौन से डिपार्टमेंट्स हैं क्या स्पेशलाइजेशन है, है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कि नहीं दिस इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी डी बी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जल्दी जल्दी इसके इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई करते हो मिस मत करना का नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इफ आई चेक द फैसिलिटीज विच द इंस्टीट्यूट इज हैविंग द सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी उसके अंदर सारी इमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं फ्लो साइटोमेट्री है विच इज वेल इन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च क्रोमैटोग्राफिक फैसिलिटीज़ है ट्रांसजेनिक फैसिलिटीज़ है उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है दे हैव एनिमल फैसिलिटीज एंड द लार्ज एनिमल फार्म फार्मो सो एनी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद द एनिमल्स कैन भी डिजाइंड एंड कैन भी एग्जीक्यूटेड इन दिस प्लेस तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनके थीमेटिक एरियाज क्या हैं बिक इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिड इन दिज एरिया दैन देयर इज नथिंग टू सी इन दिस वीडियो राइट नाउ सो दीज आर द प्रायरिटी रिसर्च डोमेन फॉर द एस्पेरेंट हुट टू जॉइन द एन आई ए बी अंडर पी एच डी प्रोग्राम द वेरी फर्स्ट इज अ सेल स्टेम सेल बायोलॉजी एंड थेरापेटिक्स यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरिया और सारे लोग इसी में काम करना चाहते हैं नेक्स्ट इज द जर्म सेल और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अब बताओ दीज ऑल आर कॉल एप्लीकेशन बेस्ड एरियाज ये किसी ऐसी चीज पे नहीं वर्क करते जिसका एप्लीकेशन नहीं है ऑर्गेनॉइड बायोलॉजी ट्रांसजेनिक एनिमल एज बायोरिएक्टर जेनॉमिक इंजीनियरिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन फार्म एनिमल डीएनए डैमेज एंड रिपेयर देखिए सेल लाइन पे आ गए जीन रेगुलेशन पे आ गए एपिजेनेटिक्स मॉलिकुलर पैरासिटोलॉजी इन्फेक्शस डिजीज पे काम कर रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सारा है नैनो बायोटेक्नोलॉजी बायोसेंसर नैनो मेटीरियल एंड बेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी वेस्ट ठीक है तो ये तो हो गए आपके रिसर्च डोमेन जिसमें आप काम कर सकते हो एंड नाउ दिस इज द एडवर्टीजमेंट विच यू हैव टू सी 2023 सेशन का डीबीटी का 100 एकड़ का कैंपस है हैदराबाद के अंदर तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं उसके बाद भी इन्होंने ये लिखे हैं नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन वेरी गुड ये जो ब्रांच है ये जो सेक्टर है दिस इज़ वेरी गुड इम्यूनोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जन नेक्स्ट जेन वैक्सीन प्रोटीन पे है ड्रग डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे है न्यूट्रिशन पे है रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी स्टेम सेल इन सभी पे है अब देखो सबसे बड़ी बात आती है एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी आपकी डेफिनेटली होगी बट द थिंग इज दैट कि द कैंडिडेट मस्ट मैंडेटरी हैव सिक्योर्ड दिस नेशनल रिसर्च फेलोशिप फॉर फाइव ईयर्स मतलब आपके पास अगर गेट है नेट एल एस है देन यू आर नॉट एलिजिबल आपके पास मास्टर्स होना चाहिए लाइफ साइंस से किसी भी ब्रांच के एंड यू हैव ऑल्सो सिक्योर्ड अ सी एस आई आर यू जी सी डी बी टी आई सी एम आर जे आर एफ ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए अदरवाइज गेट और एमपैट वाले एलिजिबल नहीं है एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है ऑनलाइन फाइव फाइल है ऑनलाइन इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और आपको अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और विल ओपन फ्रॉम ट्वेल्व फाइव एंड विल बी क्लोज ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दिस मंथ तो टाइम है आपके पास सेलेक्शन क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स विच विल कंडक्ट एन इंटरव्यू दे विल शॉर्ट लिस्ट और बेस्ट पार्ट इज़ दैट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो यार आपको हैदराबाद भाग के नहीं जाना है दैट विल बी थ्रू द ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड वो ट्वेल्थ सिक्स और थर्टीन सिक्स को कंडक्ट होंगे सो प्लीज बी केयरफुल और उसके बाद एक राउंड ऑफ इंटरव्यूज और भी होगा ज़रूरत पड़ी तो इसलिए इंटरव्यू दो दिन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड द नंबर ऑफ ब्रांच ठीक है उसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे इंस्टीट्यूट दैट्स गुड उसके बाद फेलोशिप लीजिए फैसिलिटीज़ लीजिए फैसिलिटीज़ आपको दिखाई दिया कैंपस की लाइफ काफ़ी अच्छी हैदराबाद इज़ ए वेरी गुड प्लेस हॉस्टल है कैंपस है कैंटीन है सब कुछ है वहाँ पर चलो तो ये तो हुआ नोटिफिकेशन पी एच डी का कहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यार देखो अगर आपको इससे या किसी और टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरे को टेक्स्ट कर रहे हो आई नो लास्ट कुछ दिनों से आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे भेज रहे हो एक बार और रिमाइंड कर दो किसी का अर्जेंट रह गया हो तो अदरवाइज वी विल कंडक्ट अ लाइव सेशन हर चौथे तीसरे दिन या फिर हर सैटरडे फ्राइडे गॉट एट सो आप मेरे को कॉमेंट जरूर करो बिकॉज आई सीरियसली डोंट वॉन्ट की यार आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रह जाए रिगार्डिंग एनी फॉर्म रिगार्डिंग एनी एंडिमिशन और रिगार्डिंग योर करियर प्रोस्पेक्टिव सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो डू नॉट फॉगेट टू सब्सक्राइब द चैनल आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में